हैं यार बच्चे होंगे तो हमेशा की तरह वीडियो। और गाइस तो आज का जो वीडियो है मैं एक परफेक्ट टूल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। फिर से ऐसे कई सारे मैंने टूल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं कुछ लेटेस्ट टूल और भी जो भी करंट में चल रहा है, क्या आपको लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, एक बजट में क्या कैसा टूल, आप एकदम नए हैं, शॉप आपने नया खोला हुआ है, तो क्या क्या टूल की रिक्वायर्ड होती है, मैं फुल डिटेल देने वाला हूँ एक वीडियो के माध्यम से। और फिर एक लास्ट में मैं बताऊंगा कि उन सारे टूलों में से हमें कौन सा टूल लेना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट, और आपको पता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे अरे मुझे तो पता था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उनके लिए है जो इंटरेस्टेड हैं, जो उनको। टूल लेना है सही तरीके से तो मैंने एक फोल्डर भी बनाया हुआ है कि पर्टिकुलर कि कौन सा उनको टूल लेना चाहिए, लास्ट में मैं वो बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा टूल लेना चाहिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना वीडियो को देर किए हुए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो चलिए ये मैंने देखिए यहाँ पे एक मैंने पूरा बनाया हुआ है, सेटअप बनाया हुआ है, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन सारों में से कौन कौन सा सेटअप हमें टूल रिक्वायर्ड लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जो कि मस्ट होता है हमारा यहाँ पे माइक्रोस्कोप। तो बिना माइक्रोस्कोप के आप चिप लेवल पे काम, आईसी लेवल पे काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं माइक्रोस्कोप के बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ कि आपको माइक्रोस्कोप कौन कौन से लेने चाहिए, कौन से होते हैं, और ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, कन्फ्यूज़ नहीं करूंगा इस वीडियो में, जितना शॉर्ट और जल्दी हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये रिलीफ का माइक्रोस्कोप है, ये कैमरा ऑप्शन आता है, अगर आपको शो करना है, अगर आप एक बड़े स्क्रीन में भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे माइक्रोस्कोप जो भी आप लें, जिस कंपनी का आप लें, तो उसमें आप ये कैमरा ऑप्शन भी आता है, विदाउट कैमरा ऑप्शन भी आता है। तो यहाँ पे एक दूसरी क्वालिटी है, रिलीफ का ही है। फिर लेंस की जो हम बात करते हैं, लेंस हमेशा आपको 5 यूज़ करें, 0.5x यूज़ करें, जिसमें आपको काम करने के लिए जगह मिल जाती है। उसके बाद ये है जेड एस मलिक का है, ये भी कैमरा ऑप्शन आता है और ये विदाउट कैमरा ऑप्शन भी है, ये भी एक बजट में अच्छा माइक्रोस्कोप है। और मैं और जाता हूँ तो, और ये भी वही मॉडल है जो कि कैमरा ऑप्शन, और ये है कैमरा जिसमें आप अटैच करके अपने एलसीडी या फिर किसी भी टीवी में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी जेड एस का ही है। तो ये देख सकते हैं 3D माइक्रोस्कोप जेड एस मलिक का है, और इनकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, क्लियरिटी भी देख सकते हैं, ये फुल सेटअप के भी साथ आ जाता है, ये 3D माइक्रोस्कोप है, और ये विद कैमरा और विदाउट कैमरा भी आपको मिल जाता है। चलिए अब जब आप कैमरे जब आप माइक्रोस्कोप ले लेते हैं तो उसके फिर आपको स्टैंड की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैट अगर आप एक अच्छा प्रोफेशनल एक अच्छा माइक्रोस्कोप ले रहे हैं तो ये मैट थोड़ी महंगे होते हैं, और नहीं तो आप नॉर्मल 200-250 रुपये वाले मैट्स भी लेकर के काम कर सकते हैं। चलिए मैट्स के बाद आप जब कभी आईसी लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये ट्यूल का ये प्रोडक्ट है जो कि हीटिंग का काम, हीट रेजिस्टेंस का काम करता है। हीट जैसे आप सीपीयू पे काम कर रहे हो तो आपकी स्टोरेज आईसी खराब ना हो, स्टोरेज आईसी पे काम कर रहे हो तो आपका सीपीयू ना डैम खराब हो, हीट को बचाने के लिए ये आपको यूज़ करना होता है। बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट, इसको आप बिल्कुल, और क्या क्या चीज़ आपको लेना है नहीं लेना है वो सारा मैं लाइव वीडियो को लास्ट एंड में कवर करूंगा। चलिए नेक्स्ट है मैकेनिक का है, ये भी कैमरा ऑप्शन है और ये बिना कैमरे ऑप्शन का भी आता है, ये देख सकते हैं आपका नीचे इस तरीके का आप रखते हैं तो आपको स्पेस मिल जाता है काम करने का। मैट और नॉर्मल मैट लेंगे तो आपको 200-300 रुपये से भी स्टार्टिंग मैट मिल जाता है। चलिए तो इसके बाद ये देख सकते हैं ये भी मैकेनिक का ही है, वही कैमरा ऑप्शन, विद कैमरा भी आ सकता है, यहाँ पे देखिए बिना ट्रे के है तो इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इनमें से आपको कौन सा माइक्रोस्कोप लेना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और भी आपको अंडर 15 या और भी कोई माइक्रोस्कोप मैकेनिक या फिर इसके बारे में फुल डिटेल चाहिए तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल है, और एक अंडर 12,000 रुपये में भी वीडियो मैंने डाला, आप देख सकते हैं। तो इनमें से कौन सा लेना है इंट पे हम बताते हैं आपको। चलिए उसके बाद माइक्रोस्कोप के बाद सेकंड हमारी आती है सबसे मस्ट, वो होती है हमारी एसएमडी। तो चलिए एसएमडी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और दिखा देता हूँ, होते तो बहुत सारी है, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं जो प्रोडक्ट्स हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके बारे में फिर लास्ट में भी एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले आती है सुगोन की एसएमडी जो कि मेरी फेवरेट है मेरे हिसाब से, बाकी आप मैं सब डिटेल करूंगा और लेना कौन सा है मैं आपको बताऊंगा। ये सुगुन के SMD है, डिजिटल आती है, 4 चैनल की होती है, इस ये आपकी 500 तक आपकी टेम्परेचर जाती है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और
बहुत ही अच्छी ये SMD है गाइस। मैं आपको बात करूँ तो लास्ट में बताते हैं इसकी हैंडल पकड़ने की, इसकी क्वालिटी, हीटिंग क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद आती है मैकेनिक का आता है 557DW, ये भी जो हम देखेंगे अभी सारी दूसरी SMD हो गई हमारी। तीसरी SMD हम देख रहे हैं यहाँ पे मैकेनिक का ही है 861DW Pro, तो ये भी बेस्ट क्वालिटी है, बाकी बहुत अच्छा है SMD ये भी, पर ये थोड़ा महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। और फिर हम बात करते हैं क्योंकि 2008, ये भी बेस्ट एंड बेस्ट SMD है और ये भी समथिंग 7 से 8 हज़ार के समथिंग की होती है। और ये है तो ऑलमोस्ट ये ऑलवेज SMD बेस्ट एंड बेस्ट है ही, क्योंकि 857DW+, तो ये SMD तो आपको एक रखना ही है। ये SMD तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये SMD तो एक आपको रखना ही है, बाकी ऑप्शनल में मैं और भी देखेंगे कौन सी कर सकते हैं। ये है हमारी क्विक की 861, जिसमें कॉपी भी आती है, आप कॉपी ना लें, ये आप ले सकते हैं। तो ये भी परफेक्ट हीटिंग, ये 3 चैनल का होता है और थोड़ा डिजिटल है, बट जो भी हमारा अभी मैं बात करूंगा SMDs के लिए, तो ये इतने सारे SMDs मैंने आपके लिए रखा हुआ है। नोजल्स आप हमेशा लेके रखें, जिसमें आपको 9, 11 ये सारे नोजल्स को आप रखें, जिसमें आप IC लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इसको नोजल्स को पर्टिकुलर से हम चेंज कर लें, बहुत इजी तरीके से हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इस SMD के बारे में फुल वीडियो बनाया हुआ है, जा करके आप देख सकते हैं या आई बटन में आपको मिल जाएगी। चलिए अब SMD की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमने देख लिया माइक्रोस्कोप, दूसरा हमने देख लिया SMD, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी गाइस, क्योंकि मैं फुल डिटेल के साथ बना रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट में कौन सा आपको क्या क्या टूल आपको रिक्वायर्ड में लेने चाहिए। अब उसके बाद मैं आ जाता हूँ आयरन, ये 3 चीज़ें मस्ट है, उसके बाद मैं एक लाइन से समझा दूंगा और लास्ट में बता दूंगा कि आप ये ले लो, आपका परफेक्ट काम होगा। चलिए तो सोल्डिंग आयरन में देख लेते हैं। तो सोल्डिंग आयरन में सबसे पहले मैं अगर आपको बात करूं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अभी जो नया आया है, नया वेरिएंट आया है T2, T2, 4, 5, ये भी अभी नया आया हुआ है आयरन। और ये जो T12, T12 ये भी बेस्ट है। और भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी जो बीट क्वालिटी है, हीटिंग क्वालिटी है, बढ़िया है। और ये फिर मैकेनिक का आ जाता है T12 Pro, T12 Pro Plus, ये सारी चीज़ें हमने दिखाई हुई है। अब इसके बाद आ जाता है कभी आपके हैंडल्स आपके ख़राब हो जाए मैकेनिक के, तो ये हैंडल्स भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं बहुत इस तरीके से। अब इसके बारे में आपको इंटरफेस करूँ, तो जो भी आप SMD अपना सोल्डिंग स्टेशन रख रहे हो, सोल्डिंग आयरन रख रहे हो, तो ये होता है बिट क्लीनर होता है गाइज, ये बिट क्लीनर होता है, जिससे कि आपके बिट ज़्यादा कार्बन लग जाते हैं या फिर बिट क्लीन नहीं होती है, तो आप इसे डीप करके आप अपने बिट को क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊं तो ये C210 और ये जितने भी आपके आते हैं कॉस्टली या महंगे वाले आते हैं, इसकी ये OSS T210 T2 जो अभी मैंने शुरू में दिखाया, उसमें ये सारे बीट आते हैं, अलग अलग बीट आते हैं, यहाँ पे आप इसको बीट को परचेस कर सकते हैं 300, 350 और भी महंगे बीट आते रहते हैं इसके। चलिए यहाँ पे देखिए T210, ये जो बीट की मैं बात कर रहा था, ये भी T210 का जो नया वेरिएंट है T45, जो मैंने अभी आपको शुरू में दिखाया हुआ था, ये T210 है, ये भी बहुत ही बेस्ट आयरन है, ये समथिंग 4 से 5 हज़ार की समथिंग आ जाती है। बाकी प्राइस आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे मिल जाएगी, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए ये भी वही बिट है जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये आपका माइनस बिट मिल जाती है। अब ये भी एक मैकेनिक का है, वो जो हमने दिखाया था आपको, ये दिखाया था आपको रिलीफ का और ये दिखाया हमने मैकेनिक का, ये भी वही है, बिट क्लीनर है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जब आप अगर T210, T12 Pro या T12 लेते हैं, तो ये बिट्स काम करेंगे। और फिर अगर ऊँचे हैवी रेंज में आ जाते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे ये वाले बिट्स काम करेंगे। तो आप तो देखेंगे लास्ट में कौन सा हमें लेना है यहाँ पे। चलिए तो ये तो 3 चीज़ें हमारी मस्ट हो गई, मस्ट ही मस्ट, ये तो हमें लेना ही लेना है, माइक्रोस्कोप और सोल्डिंग आयरन और SMD। अब चौथी जो मस्त चीज़ है वो है गाइस मल्टीमीटर, क्योंकि ये देखिए आपके पास अगर टूल परफेक्ट होगा तभी जा करके आप अच्छा काम कर सकते हैं, नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते हैं गाइस। तो चलिए सबसे पहले इसमें हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड हैं, तो मैं आपको यहाँ पे मल्टीमीटर्स और ये सारा जो यहाँ पे इंटरफेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो हमारा है। तो चलिए अब सबसे पहले आ जाते हैं मल्टीमीटर में आ जाते हैं। तो मल्टीमीटर में मैं बात करूँ अगर मल्टीमीटर की, तो ये नॉर्मल जो 100, 120 रुपए की मिल जाती है, मैं तो बोलूँगा बिल्कुल ही ना लें, पैसा आपका ख़राब होता चला जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं ये जो आइटम है जो आप ये देख रहे हैं, ये फिंगरप्रिंट कैलिब्रेशन टूल है, जो कि फिंगरप्रिंट जो काम नहीं करता है, ये भी अप्रॉक्स रिलीफ का ये काम करता है, इससे आप फिंगर कैलिब्रेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट करते हैं। तो ये है आपका गाइस, मैं बता दूं बैटरी बूस्टर है जो कि आप ले सकते हो। ज़्यादातर बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे हैं, मैकेनिक का है ये, और ये बैटरी बूस्ट करता है। जब आपकी बैटरी पूरी डेड हो जाती है तो आप इससे अपना बैटरी को बूस्ट कर सकते हैं। अब ये अभी सनसाइन का है, सनसाइन का TD9205E। ये जिस सेगमेंट है, जो रेट है इसका 400 से 500 के बीच में होगा। ये बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है, एक आपको ये रखना ही रखना है। लास्ट में और बताऊंगा कि आप कौन सा मल्टीमीटर रख सकते हैं। ये भी सनसाइन का मल्टीमीटर है, ये ऑटो है। इसमें जो एम्पियर और जो आपको डीसी की रीडिंग है या फिर वैल्यू है देखना है तो ऑटो पता चल जाता है। ये मैकेनिक का है, ये भी ऑटोमेटिक है, ये भी बेस्ट है मल्टीमीटर। और चलिए, तो ये मल्टीमीटर्स आपको हमने यहाँ पे दिखा दिए। एक मल्टीमीटर और आपको दिखाना चाहूँगा, ये मल्टीमीटर आप देख सकते हैं, जो कि इसके बारे में मैं डिटेल करूँगा। ये इसका नंबर आप नोट करके रखिएगा हमेशा, V90E। ये भी मल्टीमीटर बहुत ही औसम मल्टीमीटर है गाइस, तो इसके बारे में भी हम डिटेल करेंगे। चलिए, तो अब मल्टीमीटर, तो ये चार चीज़ें मस्ट हैं। सबसे पहला माइक्रोस्कोप, दूसरा आपका आयरन, तीसरा आपकी SMD, चौथा आपका मल्टीमीटर। ये चार चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, तभी आपका एक परफेक्ट आप काम कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपको बेसिक में और क्या क्या टूल्स चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर और लास्ट एंड में आपको मैं सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। चलिए, तो ये सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारा ये ब्रश। जब आप डुअल टेकर कर रहे हो या फिर PCB की क्लीनिंग कर रहे हो, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, और यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रश मिल जाता है। ये आपका डुअल टेकर में काम करने का सबसे बेस्ट ब्रश होता है। उसके बाद ये भी ब्रश आते हैं, पर ये लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको 3-in-1 ब्रश यहाँ पे सेट दिखा दिया है, बाकी आप ले सकते हो, पर ये लेने की जरूरत नहीं है। आप इसके जगह पे नॉर्मल 10 रुपये का जो ब्रश आता है, नॉर्मल वो ब्रश यूज करें। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा, ये है हमारा क्लॉथ। जब हम क्लीनिंग करते हैं या फिर कुछ काम कर रहे होते हैं PCB बोर्ड में, तो एक्स्ट्रा PPT या एक्स्ट्रा थिनर या फिर एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें डस्ट हो जाती है, तो इसको साफ करने के लिए आपको यहाँ पे इसको क्लॉथ की जरूरत पड़ती है। चलिए, क्लॉथ के बाद इसमें और स्टैंडर्ड टूल में भी यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लॉथ इन्होंने दे दिया है। सारे वेरिएंट इन्होंने MM दे दिया, 15x15 का, 10x10 का भी, तो सबसे बेटर ये भी है। तो थोड़ा महंगा होगा, तो इसको भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है ये सिल्वर टेप। सिल्वर टेप क्या काम करता है? सिल्वर टेप आप जब काम करते हैं ऐसे लेवल पे, तो हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए आप चारों तरफ इसको सिल्वर टेप लगा सकते हैं। बहुत ही 100-150 रुपए के बीच का आता है, तो इसको आप लगा करके अपने काम को प्रोफेशनल और सेफ्टी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आता है हीट रेजिस्टेंस टेप। ये टेप लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप सिल्वर टेप ले रहे हो तो ये लेने की जरूरत नहीं है, अगर ये ले रहे हो तो सिल्वर टेप लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट। अब ये तो हो गया। उसके बाद आते हैं गाइज यहाँ पे डीसी। डीसी तो हमने आपको नहीं बताया था, डीसी भी मस्ट, सॉरी, डीसी भी मस्ट है। माइक्रोस्कोप, डीसी, मल्टीमीटर, मस्ट तो सभी है, पर जो मेन पहले होता है, आप ये सब नहीं भी लेंगे तुरंत तो चलेगा, पर जो मैंने शुरू में दिखाया था वो लेना तो मस्ट है। चलिए, डीसी की बात कर लेते हैं। तो डीसी की मैं बात कर लेता हूँ, ये हमारे पास मैकेनिक का डीसी है, जो कि नंबर है इसका 3005D। ये मैकेनिक का डीसी है, और मैकेनिक के डीसी के बाद मैकेनिक का ये डीसी बूट केबल, ये भी डीसी का बूट केबल सेकेंडरी। ये आपका सनसाइन का आ जाता है, जो कि सब इंटरफेस सारे आपको देख रहे हैं। डीसी का कैसे यूज़ करना है इसके लिए भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं हाउ टू यूज़ डीसी, कैसे यूज़ करना है इसको। अब ये होता है 6 एम्पियर का पोर्ट, 6 पोर्ट चार्जर, जिसको स्कीमेटिक पोर्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है? ये आपको मदद करता है आपके डेड सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन में, कि आपका चार्जिंग फेक है कि नहीं है, एम्पियर कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारा चीज़ आपको बहुत एक मस्ट ही लेना है आपके शॉप में। ये भी वही है जो कि उस डब्बे में था, ये बाहर से है, जो कि इसमें सारा कुछ आपको दिखाई दे जाता है। और ये भी डीसी का मल्टीमीटर है, ये मैं बताऊंगा कि कौन सा आपको बूट केबल लेना है। ये भी मैकेनिक का बूट केबल है, ये भी मैकेनिक का बूट केबल है। इसका नंबर याद रखिएगा S23 Max। कौन सा लेना है मैं आपको लास्ट एंड पे बताऊंगा। ये डीसी, ये कोराड का डीसी है, जो कि सबसे बेस्ट एंड बेस्ट है। बताऊंगा लास्ट में क्या है, कौन सा आपको लेना है। तो ये डीसीज आपको मैंने दिखा दी, मैकेनिक, कोराड की 2 DC, हमने सनसाइन की 3 DC आपको यहाँ पे दिखाई। चलिए, अब उसके बाद डीसी के बाद आ जाता है नेक्स्ट, हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ये है आपका गुडविक। गुडविक डिसोल्डिंग वायर है, गुडविक एक ब्रांड का नाम है गाइज, मैं बता दूँ। यही आपको लेना है हमेशा, जब कभी आपको लेना है, ये आपकी सरफेस को क्लीन करने में काम आता है। तो ये आपको लेना है 2.0 mm का, ये 1.0 mm का भी आता है, पर आपको 2.0 mm लेना है। गुडविक ब्रांड का नाम है, इसको बोलते हैं डी सोल्डर वायर। चलिए, नेक्स्ट।
इसका नहीं, बात ये मैकेनिक का है। अब देखते हैं कि कौन सा हमें लेना है। यहाँ पे मैकेनिक का जो सोल्डर वायर है, और ये है आपका सोल्डिंग वायर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टूल का भी ये है। उसके बाद ये भी टूल का ही है, और ये है आपका, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, ये है आपका माइक्रो जम्परिंग के वायर। तो आप इसको नोट कर लो, ये देख लो आप, ये 0.0 mm का है। ये माइक्रो जंपरिंग में काम आता है गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूं। ये भी माइक्रो जंपर है मैकेनिक का। ये है आपका 0.009 mm, ये आपका माइक्रो जंपरिंग में यूज़ होता है। तो इसका भी नंबर आप नोट कर लें, माइक्रो जंपरिंग आप कर रहे हैं तो ये आपको वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी सोल्डिंग वायर है मैकेनिक का, जो कि चीप एंड बेस्ट है, ये आप ले सकते हैं। चलिए, तो ये इतना आपने हम आपको दिखाया, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सोल्डर वायर और यहाँ पे सोल्डरिंग वायर, ये दो चीज़ हमने दिखाया आपको। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, माइक्रोस्कोप हमने देख लिया, मल्टीमीटर हमने देख लिया, अब देख लेते हैं पेस्ट के बारे में। तो पेस्ट के बारे में सबसे पहले जो है यहाँ पे, ये है यूवी लाइट। जब आप माइक्रो जंपरिंग करते हैं तो आपको यूवी ग्लू भी, अभी आपको दिखाऊंगा आगे। तो यूवी ग्लू लगाने के बाद, यूवी ग्लू नॉर्मल तरीके से नहीं सूखता है, तो उसके लिए आपको यूवी लाइट लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो यूवी ग्लू है वो उसको सूख जाती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये है आपका गाइस, मैं आपको बात करूं अगर, तो ये है आपका जब आप फोल्डर वोल्डर लगाते हो, ये वाला पेस्ट है। तो रिलीफ का भी है, कई सारे मार्केट में, आफ्टर मार्केट बहुत सारे मिलते रहते हैं, और भी मैं आपको दिखा दूंगा, ये दूसरा वेरियंट है। अब ये जो पेस्ट की अगर मैं बात करूँ, इस पेस्ट का आप नंबर नोट करके रख लो, ये है ISM5। ये पेस्ट मैं बता दूं, ये है आपका PPT और फ्लक्स का मिक्सअप। जैसे आपको कभी सोल्डिंग करना हो, माइक्रो जंपरिंग की यूज़ करना हो, तो इसमें आप अलग से कोई भी पेस्ट और अलग से PPT डालने की जरूरत नहीं है। ये मेल्ट होता है, जिसमें आपका PPT 138 और यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स का मिक्सअप होता है, जो कि हमारे सोल्डिंग करने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट ये है फ्लक्स आपका, ये बड़े पैकेज में मैकेनिक का भी आता है, छोटे में भी आता है, और ये भी आप ले सकते हो, बेस्ट है फ्लक्स के रूप में। ये थिनर है, थिनर के लिए भी एक फोटो दे सकते हैं, मैकेनिक का थिनर है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब थिनर के लिए बोतल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी एक बोतल है जो कि 10 से 15 या 25 रुपए के समथिंग में आ जाता है। ये पिपिक बोतल है, ये बिल्कुल ही ना लें, इसमें थिनर आपका बेस्ट होता है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ये आपका फ्लक्स रिलीफ का है, RL422M, ये भी ले सकते हैं, जो कि आपको माउंट रिमाउंट करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी आपका बोतल है, ये कांच का है, प्रीमियम है, पर ये थोड़ा महंगा है, ये भी आप बजट हो तो ले सकते हैं। ये है मस्ट बी गुड बिक, ये हमेशा अपने शॉप में रखिए, रोजन बोलते हैं, स्मोक पेस्ट है, रोजन स्मोक पेस्ट। और नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये PPT 138, आपको कौन कौन सा PPT लेना है मैं वो भी रिकमेंड करूंगा। आप अपने PC में, अपने दुकान में दो PPT रखोगे, एक 138 और एक 183, 138 और एक 83, ये 83 है और एक 138 भी आपको यूज़ करना है। चलिए ये अब मैं आ जाता हूँ, आपको जब PPT हो गया, आयरन हो गया, तो आपको रिबॉलिंग करने के लिए स्टेंसल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये होता है 3D स्टेंसल फिलहाल, और ये फिक्स होता है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि ये आप ना लें, इसमें आप नॉर्मल वाला लें जैसा कि, और ये भी काइसी का है 138, ये भी देखते हैं कौन सा लेना है, और ये भी नॉर्मल वही जो हमें यूज़ करते हैं वहाँ पे। देखिए PPT जो होता है गाइस, वो 138 रखना है और एक 183 रखना है आपको। ये मैंने पिक्चर्स, ये आपको मैकेनिक का है, पर ये आप ले भी सकते हैं, बट आपको इतने सारे PPT लेने की ज़रूरत नहीं है। एक आप 138 ले लो और एक आप ले लो 183 ले लो, ये दो आप ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी PPT बेस्ट है, रिलीफ का है, तो कौन सा लेना है मैं आपको लास्ट इन पे बताऊंगा कि आप कौन सा PPT। तो जो मैंने यूवी लाइट के बारे में बात करी थी, ये यूवी ग्लू है, जो कि इसको सुखाने के लिए आपको यूवी लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ये माइक्रो जंपर करने के बाद ये यूज़ होता है। उसके बाद स्टेंसिल की बात कर लेते हैं, तो ये स्टेंसिल है हमारी गाइस काइंडली की है, बाकी आप अपने हिसाब से देख करके बेस्ट ले सकते हैं, बाकी काइंडली भी बेस्ट कंपनी है। और ये देख सकते हैं, ये यूनिवर्सल है, जिसमें आप सारे पावर IC और भी जो CPUs और MMCs भी आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आप MMC, इसमें जो स्टेंसल लेने की ज़रूरत, आपको यहाँ पे यूनिवर्सल लेना है और एक MMC का लेना है, बस दो दो आप सेट ले लोगे तो आपके काम चल जाएंगे। चलिए, तो ये था पेस्ट और स्टेंसल और पिक पिक बोतल के बारे में, मेरे में से कौन सा लेना है, सब नहीं लेना है, जो भी लेना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। स्क्रैपर, अब स्क्रैपर क्या होता है गाइस, जब ब्लैक पेस्टर्ड को काटने के लिए, ग्लू को कटिंग करने के लिए स्क्रैपर की जरूरत पड़ती है, तो इस स्क्रैपर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्क्रैपर में, ये मैकेनिक का स्क्रैपर है, जो कि
ये बिल्कुल भी नहीं लेना है, लेना है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ये स्क्रैपर मैकेनिक का एक स्क्रैपर देख सकते हैं, ये भी मैकेनिक का ओनली ब्लेड्स हैं ये, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कभी आपका स्टैंड है ब्लेड खराब हो जाए तो आप एक्स्ट्रा सेट मंगा सकते हैं। ये भी आपका है यहाँ पे, जैसा कि मैं बता दूँ ये भी मैकेनिक का ही है, और इसके ब्लेड्स बहुत नॉर्मल होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, ये भी बहुत सस्ता होता है, ये भी स्क्रैपर ही है आपका, लो कॉस्ट में है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे कैनली का, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रैपर, इसमें ये जो बैंड आप देख रहे हो इसमें आपका नॉर्मल भी मिल जाता है, ये भी बेस्ट है। लास्ट में आपको कवर करूँगा, ये आपने पहले देख ही लिया है, ये आ जाता है उसी कैनली का, जैसे कि आपने देखा था ये सेम तीन ब्लेड आ जाते हैं, इसके हैंडल भी बहुत अच्छी रहती है। और लास्ट में फिर हम देखेंगे इसमें कौन सा स्क्रैपर आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये स्क्रैपर्स के फोटोज़ थे और ब्रांड्स के फोटोज़ थे, अब मैं लास्ट में आपको कवर करूँगा। चलिए उसके बाद आता है एसएमडी, हमने देख लिया, सोल्डरिंग आयरन हमने देख लिया, अब याद आते हैं पीसीबी स्टैंड। पीसीबी स्टैंड भी मस्त भी है, देखिए टूल अगर प्रोफेशनल होगा तभी जाकर आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं खोलता हूँ, ये ब्लेड्स हैं आपको, ये ब्लेड्स 4 नंबर के ब्लेड, 11 नंबर के ब्लेड, ये सारे ब्लेड्स के आपको इस टेक्निकल लाइन में काम यूज़ पड़ता रहता है। तो आप 7 पीसेस का भी ले सकते हैं, अभी 8 पीसेस का भी मैं आपको दिखाऊंगा ब्लेड। चलिए तो ये यूनिवर्सल है, ये लो वेस्ट ये ले सकते हैं, बट ये ब्रांड का नहीं है, यूनिवर्सल है, बट इसमें मैकेनिक का आता है, मैकेनिक का ले लें, वो थोड़ा कॉस्टली रहता है पर बेस्ट है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा आगे। ये जो चीज़ है आपने रोजन देखा था, रोजन स्मोक करने के लिए है, ये भी बेस्ट है बट थोड़ा सा महंगा है, बाकी तो हम आयरन से भी कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद ये कटर, कटर भी आपको लेना मस्ट भी ज़रूरत है। अगर ये जो सेव आप देख रहे हैं ये सेव आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो और जो भी आपके बेस्ट एंड बेस्ट आपको जो डीलर रिकमेंड करे वो आप ले सकते हैं। इसके बाद ये आता है आपका मोबाइल स्टैंड है, सनसाइन का है, इसमें आप जब आप मोबाइल रिपेयर करते हैं तो वन बाई वन आप इसको रख सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा भी दिखेगा और सेफ्टी भी रहेगा, आपका फ़ोन डैमेज होने से बचेगा। उसके बाद आ जाते हैं ये आईसी स्टैंड है गाइस, ये पीसीबी स्टैंड नहीं है, आईसी स्टैंड है। आईसी स्टैंड मीन्स जब आप कभी पेस्टेड आईसी पे काम कर रहे हो, ग्लू को क्लीन करना है, ब्लैक पेस्टेड हो या व्हाइट पेस्टेड हो, उसको आपको क्लीन करने के लिए इसमें आपको फिक्स करके, आप ना आईसी डैमेज होगी ना आपका स्क्रैच होगा, तो ये होता है आईसी स्टैंड। ये भी थोड़ा सा महंगा होता है पर आप ले लेंगे तो एक प्रोफेशनल काम होगा। अब ये मैकेनिक का आ जाता है गाइस, ये भी देख सकते हैं इसमें आईसी भी है, होल्ड कर सकते हैं पीसीबी, आप 4 तरीके से होल्ड कर सकते हैं, ये भी बेस्ट है मैकेनिक का। और ये देखिए 8 8 जो ब्लेड्स हैं हमारे, ये 4 नंबर 11 नंबर 17 नंबर, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, 8 सेट का एक आप ले लोगे आपका काम हो जाएगा। अब ये भी मैकेनिक का है, तो ये MR6, इसका आप नंबर नोट करके रखें, ये रिकमेंड मैं करूंगा कि ये आप लेने के लिए, बाकी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ये भी दूसरा आप देख सकते हैं उसी का है, ये भी ऐसे स्टैंड है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है पर आप अगर लास्ट दिन तक आपने देखा, ये आपका ड्रिल करने के लिए है कि कभी आप ड्रिल कर रहे हो या फिर ऊपर की पत्ती काट रहे हो तो वो कटर करने का आपको काम करेगा, ड्रिल करने का काम करेगा गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये ट्विजर, ट्विजर भी मस्ट भी है, ट्विजर आपको एक बैंड लेना है और एक आपको स्टे लेना है, ये नहीं कि सस्ते वाले ले लो, ये थोड़ा लॉन्ग भी होती है, लेंथ भी इसका काफ़ी अच्छा होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। बाकी आप 10-15 रुपए वाला ना लें, आप एक ट्विजर अच्छा लें जो कि आपको हमेशा के लिए काम में आए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, तो ये देखिए सस्ते वाले ट्विजर हैं, ये आप मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप ये ट्विजर लें, बाकी एक सेट रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं देखिए यहाँ पे भी जो ट्विजर है ये थोड़ा सा बैंड नहीं है, आपको मैंने जो पहले पिक दिखाई थी वो भी ट्विजर सबसे बेस्ट एंड बेस्ट है। ये भी आपका है ड्रिल करने के लिए, पत्ती को काटने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका है स्क्रू ड्राइवर जो कि इलेक्ट्रिक वाला स्क्रू ड्राइवर, ये इलेक्ट्रिक नहीं है ये नॉर्मल है, अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक वाला भी स्क्रू ड्राइवर दिखाऊंगा। ये आपका एक्स्ट्रा लाइट है कि जब आप माइक्रोस्कोप पे काम कर रहे हो और आपको कुछ लाइट की कमी लग रही है तो आप ये लाइट ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। नेक्स्ट करते हैं, ये आपका ड्रिल है टूल का, ये आप ले सकते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है, इसमें सेफ तरीके से इसकी वाइब्रेशन जो है ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, और ये जो आइटम है गाइस मैं आपको बता दूँ, ये JCB का है 210 245, ये आपके जैसे कनेक्टर्स, ये बेसिकली हीट होता है और इसे आपके कनेक्टर्स रिमूव करने और लगाने में काफ़ी मदद होता है गाइस। चलिए नेक्स्ट करते हैं, और ये ट्विजर, ये भी ट्विजर बेस्ट है, इसमें स्ट्रेट भी आता है और बैंड भी आता है, ये भी ट्विजर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिक जो कि मैंने आपको नॉर्मल दिखाया था, ये है ऑटोमेटिक जो कि इसमें आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक इसमें मतलब आपको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है फुल्ली, ठीक है।
तो ये तो था सर बेसिक, मैंने पहले टूल फुल डिटेल के साथ बताई आपको हर एक चीज दिखाया। अब आता है टाइम गाइस कि कौन सा टूल हमें इतने सालों में लेना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन है या जो भी है, तो इतने सारे टूलों में हमें कौन सा टूल लेना चाहिए। तो चलिए सो टाइम मैं आपको बता देता हूँ। फाइनली आप इसको लास्ट में आपने यहाँ तक देखा है तो अब देख सकते हैं कि कौन कौन सा मेरे हिसाब से आपको बेस्ट लेना है, जिसमें आपका प्रोफेशनल एक काम हो। आपको एक यूवी लाइट लेनी है, ये मस्ट भी लेना है। आपको एसएमडी जो लेना है, मेरे हिसाब से आपको ये सुगोन का एसएमडी लें, ज़्यादा बेटर होगा। फिर उसके हिसाब से गुडविक आपको लेना है, जो कि मैंने इतने सारे गुडविक लिया था। ब्रश आपको ये एक रखना है, एक नॉर्मल ब्रश रखना है। आपको यहाँ पे क्लॉथ आप ये ले लेंगे, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है और सस्ता भी होता है। एक एसएमडी आपको ये 857, ये आपको DW प्लस रखना ही रखना है, मस्ट भी। ये आपको, आप मैकेनिक का है, ये कम बजट में 15-16 हज़ार के समथिंग में आपको फुल सेटअप मिल जाता है, लेंस लाइट सब कुछ, अबॉब सब कुछ मिल जाता है इसमें, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे रखा है, नहीं तो आप मैकेनिक का ले सकते हैं। इसके बाद 6 का पोर्ट आपको यहाँ पे लेना है सनसाइन का, इसमें 3.0 लीजिएगा, ये आपको मैंने इसके बारे में बता ही दिया है। पिक पिक बोतल 25 रुपये या 15 रुपये का आता है, इसको आप ले सकते हैं, बहुत इजी टू यूज़ और सस्ता रहता है और अच्छा रहता है। अब मैकेनिक का है, ये आपका कैमरा है जिसमें आप अपने एलसीडी या किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको लेना है यहाँ पे सिल्वर टेप, आपको लेना है कटर, आपको लेना है डिप क्लीनर, आपको लेना है टूल का ड्रिल मशीन, आपको लेना है यहाँ पे इसमें से एक कोई भी ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल मेट ले सकते हैं आप। इसमें आपको ये पेस्ट, रिलीफ का पेस्ट यूज़ करिए 4222, इसको आप लोग लगाने और निकालने में काफ़ी अच्छा रहेगा। ये आपका एक लेना है, 10 या 20 रुपये का आता है आपका रोजन। इसके बाद आता है पेस्ट में, मैकेनिक का रखिए, ये भी बेस्ट है, नहीं तो आप रिलीफ का लीजिए, हालांकि ये 183 मैकेनिक का ये ज़्यादातर चलता है, और रिलीफ का भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको जो लेना है यहाँ पे सोल्डिंग, ये हमारा है माइक्रो जम्पर के लिए काम आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मल्टीमीटर की बात करें तो मल्टीमीटर में आपको ये एक मस्ट भी रखना है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है और ये आपको कम बजट में मिल जाता है। इसके बाद ये आपको टूल का जो प्रोडक्ट है, आपको थर्मल प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, थर्मल प्रोडक्ट यहाँ पे पार्ट्स को सेफ रखता है आपके। और यहाँ पे जो आपको कटर ब्लेड्स लेने, ये ब्लेड्स आप ले सकते हैं, तो अलग अलग ब्लेड्स भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। आपको यहाँ पे कनेक्टर्स को निकालने के लिए ये आपको चाहिए, और जो आपको आयरन मैंने बताया T210, ये ज़्यादा बेस्ट है, इसको आप ले लीजिए, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके बिट्स ले लीजिएगा, एक माइनस बिट ले लीजिएगा और एक आपको मिनी बिट तो मिल ही जाता है। उसके बाद ये भी आपको माइक्रो जम्परिंग का है, और ये जो है आपका पीसीबी होल्डर, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर है, इसमें आईसी भी आप होल्ड कर सकते हैं, इसमें आप पीसीबी भी बोर्ड भी होल्ड कर सकते हैं। सोल्डिंग वायर की बात करें तो मैकेनिक का ले सकते हैं, एक ले लेंगे काफ़ी हो जाएगा। ये आपके बीट्स, जब आप नॉर्मल वाले यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये बीट सही होगा, पर आप T210 ले रहे हैं तो आपको ये बीट काम नहीं करेगा। चलिए, आपको ये यूबी ग्लू लेना है, ये आपका स्क्रैपर लेना है, ये आपको जो आपको मैंने बताया था मैकेनिक का, ये जो ब्लैक वाला S23 मैक्स, ये आपको बूट केबल लेना है, ये आपकी SMD, ये आपको लेना है DC मशीन कोराड की लेनी है, बहुत ही बेस्ट है ये। आप लास्ट में माइक्रोस्कोप मैकेनिक का ले सकते हैं, नहीं तो आप ZS मलिक का जो प्रोडक्ट है वो आप ले सकते हैं। यूनिवर्सल में आप काइंडली का ले लें, नहीं तो और भी जो मिले, तो आपको 2 यूनिवर्सल 2 MMC का स्टेंसिल रखना है। तो आई होप वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। और ये मैंने फुल वीडियो बनाया है आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करने के लिए बोला है, आपका जो मैंने लास्ट में फाइनल सेटअप दिखाया आप वो यूज़ करिए, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।